गुड इवनिंग सभी को। पाठशाला के इस डिजिटल चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। टेके ग्राम विकास अधिकारी के जो पेपर आपके हो रहे हैं, उन सभी पेपर्स का विश्लेषण करवाया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण का विश्लेषण हमने करवाया था। प्रथम चरण का जो पेपर था, उस पेपर में कुछ क्वेश्चंस जरूर थोड़े से हमारे डाउटफुल थे। ठीक है, अभी अगर बात करें हम यहाँ पे सेकंड चरण के जो प्रश्न आपके आए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले। कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है वो एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, आप लोगों ने अगर पढ़े हैं तो। चलिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस अप्रोप्रिएट टू एक्सेस द कंप्यूटर ऑफ योर ऑफिस फ्रॉम होम। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो कहा गया है कि यहाँ पे ऑफिस से घर से बैठे ऑफिस के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो याद हो तो अगर आप लोगों को मैंने क्लास में लिखवा रखा है कि रिमोट लॉगिन, अगर किसी भी सिस्टम में अगर आप रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं तो आप एक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और उस प्रोटोकॉल का यूज हम क्या कहते हैं, टेलनेट के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने आंसर यहाँ पे WWW कर दिया है। देखो WWW की बात करें तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये इंटरनेट की एक सर्विस है जो आपकी वेबसाइट और वेब संबंधित किसी भी सर्विस को एक्सेस करने की सुविधा देता है। ठीक है, FTP की जो हम बात करें तो FTP का पूरा जो नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइलों का आदान प्रदान होता है उससे संबंधित प्रोटोकॉल होता है, जबकि IRC आपकी चैटिंग से संबंधित कार्य होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट रिले चैट। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा टेलनेट आंसर होगा। मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 71 के बाद में, तो ये अगला क्वेश्चन है 72। तो ये क्लासरूम में नोटबुक में मैंने लिखवा रखा है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर आपकी मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी के अंदर कौन से, तो मुख्य मेमोरी में कौन सी रैम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में आपका आंसर क्या होगा, डी रैम। ठीक है, डी रैम का उपयोग हम जिस मेमोरी के लिए यूज करते हैं, डायनेमिक रैम यूज करते हैं, इसका उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, एस रैम जो पार्ट आता है वो आपकी मेमोरी है जो कि आजकल किस में काम में ली जाती है, कैश मेमोरी में हम काम में लेते हैं। परम यहाँ पर जो आता है वो एक प्रकार का क्या कहलाता है, सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर याद है कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने SRAM किया जो कि गलत है, डी रैम इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। ठीक है, देखो 73 जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है, तो ट्रांजिस्टर की कहानी सभी को पता है, अभी पहले पेपर में भी आया था सेकेंड जनरेशन। ठीक है, VLSI की कहानी जो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में मशीन का उपयोग कंप्यूटर की पहली जनरेशन में, परम सुपर कंप्यूटर है जो आपके पांचवी पीढ़ी में विकसित किया गया है। ठीक है, 1991 में विकसित किया जाने वाला है। तो ऑप्शन की कहानी अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ऑप्शन आपका कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे है। भाई ट्रांजिस्टर की कहानी देखो, ट्रांजिस्टर की कहानी दूसरी पीढ़ी में है तो सी आंसर है। VLSI का उपयोग कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में है तो ए आंसर। मशीन लैंग्वेज का उपयोग यहाँ पर है तो डी आंसर। और परम की कहानी जो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में है तो आंसर बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ई आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस वाले भाग में क्वेश्चन नंबर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट किसके लिए, इंटरप्रेटेड ट्रांसलेटर की तरह उपयोग में लिया जाता है। अभी क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्वेश्चन में किसके लिए इंटरप्रेटेड ट्रांसलेटर की तरह उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की कहानी को समझिए, तो यहाँ पर इंटरप्रेटर की एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, भाषा अनुवादक। देखो कहा गया कि किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह, आप क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में पढ़िए कि क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर कौन सी भाषा के लिए, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में लो लेवल लैंग्वेज के लिए है क्या।
यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर बता पाए तो जल्दी से आंसर बताइए कि इंटरप्रेटर की कहानी जो पार्ट आता है कि ट्रांसलेटर हो सकता है कि लो लेवल। हाँ आंसर हाई लेवल के लिए हमें याद है कि इंटरप्रेटर की जो कहानी आती है, इंटरप्रेटर का उपयोग आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में लाइन बाय लाइन चेंज करने के लिए काम आता है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? बी। अगले एमएस पावर पॉइंट में कौन सी की का यूज स्लाइड शो को स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए? क्या देखिए स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए F5 शिफ्ट प्लस F5 होता है, वो किसके लिए काम आता है? करंट स्लाइड के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए इस वाले पार्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि आपका कैलकुलेटर जो टेलीफोन रिले है, तो आंसर क्या आएगा? ई आंसर। जॉर्ज स्टीबिट्स के नाम से एक व्यक्ति है जिन्होंने इस वाले आपके कंप्यूटर को बिल्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए अगला जो 70। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका यहां पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि आपके पावर पॉइंट एमएस वर्ड के संदर्भ में दिया गया है 77। बाय प्रेस कंट्रोल प्लस ओ एन का उपयोग डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। टेम्पलेट की फाइल प्री डिफाइन आपकी जो फाइल होती है, आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है आपका 78। 78 के अंदर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आप सेलेक्ट सेल रेंज A1 से A10 100 डालो और कंट्रोल एंटर, तो ऐसा करोगे तो सभी के अंदर आपका ए आंसर आ जाएगा। सो इज एंटर इन ई सेल ऑफ द रेंज, रेंज में आपका क्या आ जाएगा? सो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 79 की जब हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 79। ठीक है, 79 जो सवाल आपका दिया गया है IEEE 1394 एक पोर्ट दिया गया है और ये जो पोर्ट आपका यूज होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, फायर वायर पोर्ट जो होता है उस वाले पार्ट के लिए काम में लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट बार कोड के रूप में क्या है? बार कोड के रूप में गलत है। बार कोड रीडर यूज लेजर बीम ऑफ स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, ये तो स्टेटमेंट सही है। बार कोड आर प्रिंटेड यूजिंग स्पेशल कंटेनिंग, गलत है। आयरन ऑक्साइड ये MICR होता है, उसे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये कंप्यूटर के संबंधित 10 सवाल थे, उम्मीद करता हूँ कि सभी के 10 के 10 क्वेश्चन सही हुए होंगे। चलिए आगे की सॉल्यूशन के लिए आपके लिए हिंदी का जो सॉल्यूशन है, हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करवाने के लिए अब आपके सामने नवीन सर आ रहे हैं। नमस्कार छात्रों, पेपर आपका दूसरा 91 देखो, सुबह भी पेपर ऐसा ही था, अभी भी पेपर ऐसा ही है, बहुत सामान्य सा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तत्सम तद्भव, प्रश्न क्या कहता है
तत्सम शब्द बताने, तत सम उसके समान, किसके, संस्कृत के, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में परिवर्तित कर दिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। और यह है पहला इसका उत्तर, वत्स होता है बच्चा और उल्लूक होता है उल्लू, ये इनके तद्भव होते हैं। तो उत्तर क्या है आपका, ठीक है, पहले का उत्तर है आपका ए, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। मधु प्लस हरी मध्वरी होता है, एकदम सही है। गति प्लस अवरोध गत्यवरोध होता है, एकदम सही है। भ्रातृ प्लस उपकार भ्रातृपकार होता है, एकदम सही है। वधु प्लस इच्छा, वधु बड़ी होती है, नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है, नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है। उत्तर क्या हो गया आपका, बी, उत्तर क्या हो गया आपका, बी। अगला प्रश्न है आपका 93, मुहावरों की दृष्टि से सुमेलित करना है। मुहावरों की दृष्टि से सुमेलित करना है, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, तो उत्तर क्या होता है, धुन लग जाना, किसी काम की धुन लग जाना, यानी पहले में क्या है, गे। दाल भात में मूसल चंद, दाल भात में मूसल चंद, अर्थ क्या होता है, बिना मतलब दखल देना, बिना मतलब दखल देना, यानी क्या हुआ इसका, के। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, कम दिखना, क्या हुआ, घे। और ताड़ का वृक्ष किसी के काम का ना होना, यानी खे। आप देखो कौन से नंबर पर यह क्रम दे रखा है, पहले में गे 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 तीन जगह दे रखा है, दूसरे में के एक ही जगह दे रखा है। उत्तर क्या हो गया आपका, डी, उत्तर क्या हो गया आपका, डी। अगला प्रश्न, अंधकारी 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 शब्द, पहला अंधकारी जो होता है ये महादेव होता है और दूसरा एक राग विशेष होता है। उत्तर क्या है आपका, बी, उत्तर क्या है आपका, बी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। परस्पर, धनंजय अर्जुन, पार्थ अर्जुन, कौन्ते अर्जुन, गुड़ाकेश अर्जुन, सब उदाहरण अर्जुन के, तो कौन से सही हैं, सी, उत्तर क्या हुआ आपका, सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। प्रशंसा के बहाने निंदा करने वाला व्याज स्तुति होता है। उत्तर होगा आपका डी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में विलोम युग्म है। विलोम युग्म है, ध्यान देना, पूर्व पहले, अपर बाद में, रात्र रात्रि, एहन दिन। उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। चंद्रमौली, समावेष्ट, मुनिजन, ये शुद्ध लिखे हुए, ये शुद्ध लिखे हुए। मुहूर्त में बड़े उ की मात्रा आ जाती है, ठीक है। और शशिभूषण में शशि छोटा होता है, ठीक है। और अध्यात्म होता है, अध्यात्म शब्द नहीं होता, अध्यात्म। अगला, किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं। दशानन में बहुब्री समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्री समास, अव्ययीभाव समास, त्रिलोचन 24, बहुब्री समास, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। उत्तर होगा आपका डी, उत्तर होगा आपका डी। अगला प्रश्न, उपसर्ग से निर्मित शब्दों में कौन सा विकल्प असंगत है। उपसर्ग से निर्मित विकल्पों संगत है, विकल्प संगत है यानी सही है, यह आपको बताना है। देखो, प्रे उपसर्ग की बात करें तो इसमें प्रे उपसर्ग है, लेकिन इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें प्रे उपसर्ग है, तो ये उत्तर नहीं होगा। आ की बात करें, अपेक्षित, अपेक्षित, ठीक है, इत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, ये उत्तर नहीं होगा। अंग प्लस एक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, आप प्लस शक्ति, तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा।
नहीं, निष् प्लस ना तो होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। निष् प्लस पक्ष होता है, निष् प्लस इसमें ये उपसर्ग होता है, इनमें निष् उपसर्ग क्या, ठीक है, इसमें निष्, इसमें निष्, इसमें निष्। उपसर्ग का संगत पूछ रहा है, क्या पूछा है उसने, कौन सा सर्प संगत है, तो निष् नात, निष् पक्ष, निष्। उत्तर हो जाएगा आपका सी, स्वल्प में सौहार्द अलग हो गया एक, ये तो उत्तर क्या है आपका यहाँ पर सी, उत्तर हुआ आपका सी। ये हिंदी का पेपर था, इसी पैटर्न पर सुबह प्रश्न पूछे गए थे, वही पैटर्न पर अब प्रश्न पूछे, अगले दो पेपरों में भी उसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब गणित के सवाल हल करने के लिए कृष्णा सर, हाँ भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। चलो प्रारंभ करते हैं। तो सुबह की शिफ्ट की तरीके से वही 10 क्वेश्चन आए, और 10 क्वेश्चन में से जो सिलेबस में से अगर बात करें तो 5 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो वही 4-5 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस दे दिए। तो एक बार तो जो सिलेबस में से हैं उनको एक बार अपन देख लेते हैं, और जो आउट ऑफ सिलेबस है उनके आंसर आंसर की अपन डिटेल में बातचीत कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 51, ये तो आराम से आप कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी संख्या के 65% और उसी के 35% का जो डिफरेंस दे रखा है वो 22.2 दे रखा है, उसका 50%, तो उसने अंतर दिया है, तो आप भी इनके अंतर लीजिए। 65 और 35 में बताओ कितने का अंतर दिख रहा है भी आपको, है 30 का अंतर दिख रहा है, और भाई साहब क्या बता रहे कितने का अंतर है, 22.2 का अंतर है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.2/30। अब जो पूछ रहा है वो गुणा करो, उस संख्या का 50% पूछ रहा है, तो यहां गुणा में अपन क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, ये जीरो से जीरो चला ही जाएगा आपका, क्यों भाई, और ये कितना हो जाएगा 110 111, और भाग का क्या देना है, 3 का देना है, तो 37 कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल जी हाँ 37, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 37। एक बार इसके कमेंट खोल दो, देख कमेंट नजर नहीं आ रहे, मैं आप लोगों को कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, तो चेक करो देखे बताओ इसका आंसर 37 ही होना चाहिए। और बाकी जो ये 3-4 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, ये मुझे लगता है इन्होंने कुछ दिन पहले जो ये अनाउंसमेंट किया था ना कि भाई नेगेटिव नहीं है, मेरे को तो लगता है कि इनको पता लग गया कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस वगैरह इनका डिस्कशन हुआ होगा, तब जाके इन्होंने एक किया है, तभी जाके इन्होंने किया है। तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन से 3-4 इनको लास्ट में आपको तुक्का लगा के ही आना था, ठीक है ना। चलो देखे बताओ देखे क्या कह रहा है आगे, इस 52 को एक बार छोड़ो नीचे लाओ, देखे 53 अभी इसकी चर्चा करेंगे अपन। तो ये 52 तो ऐसे ही था, 53 तो 53 आपके सिलेबस में से, तो ये आपको करना चाहिए, इसको तो निश्चित रूप से आपने किया होगा, ठीक है। तो ये टीडी सर मरवा दिया पेपर बहुत का, अरे तो ये पेपर सबका ही है, देखो इसमें अब आपने देखा नहीं मैथ्स में भास्कर वालों ने तो दोपहर में दे भी दिया कि मैथ्स में तो पता नहीं ये कौन से मुड़ी आदमी ने बनाया है, या उसको सिलेबस वास्तव में नहीं पता था, या उसको ये नहीं पता था कि ये ग्राम सेवक का पेपर बनाना है, उसको लगा कि ये सब इसमें बीटेक सारे वो यही वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई इसको पेपर कैसे बनाना चाहिए था। हालांकि उनको भी गालियां पड़ रही होंगी, स्टाफ गाली दे रहा होगा उसको, लेकिन जो है वो देखो सबके लिए है। पिछली बार भी पता है ग्राम सेवक में 40% कट ऑफ वाले ढूंढने से नहीं मिले थे, और शायद जहां तक मेरे को याद है कट ऑफ इनको डाउन करनी पड़ी थी, है ना। तो ये तो ऐसी उलझन भरा है। चलो क्या कह रहा है आगे, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2-3-5 के अनुपात में है, ये सिक्के हैं किस रेशो में, 2:3:5 के अनुपात में, इन सिक्कों का मूल्य दे रखा है कितना, 228, ठीक है। तो आप एक बार इनके मूल्य ही बता दो मेरे को, 1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपए बनेंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपया बनेगा, और 25 पैसे के 5 सिक्के 25×5=125 1.25 रुपया बनेगा। तो बताओ कुल मिला के रुपया कितना बन गया, 2 और 1 3 और 1 4 4.75 कितना बन गया, 4.75 बन गया, और ये भाई साहब कितना बता रहे हैं, 228 बता रहे हैं, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 228/4.75, ये पॉइंट हटाओ और यहां 2 जीरो लगा लो, तो 25 से कितना 4, और 25×1=25 22 यानी 9, 19×1 और कितना 3, तो 2×14=12 × 4 कितना 48, 1 की वैल्यू 48 आ गई, तो 48 से मत लगाना। इसने क्या पूछा, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के तो यही थे ना 3, तो 1 की वैल्यू 48 है, तो 3 की वैल्यू 3×48 यानी कि आंसर क्या रहेगा, 144। चेक करो 144 होना चाहिए, क्लियर 144 आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये जो सुबह की शिफ्ट में जो आया था उसका फॉर्मूला है n(n+1)(n+2)/3, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ ना, तो इसको तो 1 का स्क्वायर 1 फिर 9 फिर 25 फिर 49 फिर कितनी सी बताओ,
दस संख्या जोड़नी है, तो क्या अपन दस संख्या नहीं जोड़ सकते? तो ये तो एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर तो सबका सही होना चाहिए भाई। दस संख्या तो एटलीस्ट अपन जोड़ ही सकते हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है, है? चलो तो ये हो गया आपका सीधा सा, और ये फिर से आपका एक फालतू के ही आपके कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन दे दिया, तो एक बार के लिए इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट 56 नंबर पे लेके चलो सीधा। 56 नंबर देखिएगा, 56 नंबर आपसे क्या कह रहा है, 56 कह रहा है दो पासे फेंकने पर, दो पासे जब आप फेंकोगे, एक पासे पे कितने छह अंक होते हैं, क्यों भाई एक पासे पे कितने छह अंक होते हैं, तो दो पासे पे कितने हो जाएंगे, तो छह गुणा छह, यानी टोटल जो स्पेस इसका बनेगा, टोटल जो बनेगा छह गुणा छह कितना 36 बनेगा, मतलब 36 स्थितियां बनेंगी। 36 स्थितियां कैसे बनेंगी, जैसे पहले पे एक आ गया तो अगले पे एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है, अब इस पे दो आ गया एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे छह स्थिति ये बनेगी, छह ये बनेगी, छह छह छह, तो कुल मिला के कितनी स्थिति बनेंगी, 36 स्थितियां कुल मिला के बनेंगी। अब इनमें से कह रहा है कि भाई साहब कि अंकों का योग सात, अब आप ही बताओ अंकों का योग सात कब हो सकता है, एक और छह हो सकता है, छह और एक हो सकता है, दो और पांच हो सकता है, पांच और दो हो सकता है, तीन और चार हो सकता है, चार और तीन हो सकता है, ग्यारह कब होगा, पांच और छह हो सकता है, छह और पांच, तो कितनी कंडीशन बन गई, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ कंडीशन बन गई भाई, आठ कंडीशन बन गई, कितने में से 36 में से, चार से दो, चार से नौ, चेक करो जरा दो बटा नौ, तो ये भी होने की स्थिति में तो है दो बटा नौ, ये भी अब अगेन वही बात है कि आउट ऑफ सिलेबस ही चल रहा है पूरा, लेकिन फिर भी होने की स्थिति में तो है, है ना, आराम से हो सकता है, क्योंकि भाई दो पासे जब फेंकोगे तो स्थितियां कितनी बनेंगी, 36 स्थितियां बनेंगी, और 36 में से अब देख लो सात कैसे कैसे आएगा, 11 कैसे कैसे आएगा, तो आठ कंडीशन बन रही है, कितने में से 36 में से, तो कितना हो जाएगा दो बटा नौ, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, नीचे करो, नीचे नीचे नीचे, 57 नंबर नीचे लो, नीचे 57, हाँ, 10 व्यक्तियों को चार कुर्सियों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित बैठाया जा सकता है, तो अगेन भाई ये तो फिर से थोड़ा सा गड़बड़ वाला ही क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों को चार में से, तो ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया, तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, तो 10 कुर्सी है और कितने जने, चार जने, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा और कितना 7, और फिर इसके बाद में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दुना 24, 24 से कितना 3, तो ये तो आ गया 210, ठीक है भाई 210। अब इस 210 को परम्यूट और कर दो वापस से, 210 को परम्यूट और करना है आपको, 210 को परम्यूट करना है, यानी कि फैक्टोरियल 4 से गुणा करना है, कि फैक्टोरियल 4 गुना हो जाएगा, तो कितना 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 से 12 दुना 24, 24 गुणा 210 करके देखो, 210 गुणा 24, 0 24 से कम 24, 48 और 2 50, देखो 5040, जी हाँ बिल्कुल 5040 आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5040। तो ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, फिर से आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसका आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव तो है ही नहीं ना, क्यों भाई नेगेटिव तो है नहीं, पूरे के पूरे करके आओ, जितने जो आउट ऑफ सिलेबस है उनको सबको लास्ट में करना है आपको, सिलेबस में से क्या आया है, कुछ ही नहीं आया, दो चार पांच क्वेश्चन, एक्चुअली सिलेबस था ही नहीं, तो पिछले पैटर्न को अगर देखें तो उसके हिसाब से तैयारी की, ये तो चलो किस्मत थी कि भाई अपन ने यहाँ पे पाठशाला में अपने नंबर सिस्टम वगैरह कर लिया था, तो उसके एक दो क्वेश्चन पिछले में थे वो हो गए थे, तो और बाकी तो कुछ ही नहीं। इसको देखें आगे बढ़ते हैं, देखो 58 नंबर, चलो आगे करो, देखे 58, चलो 58 यहीं की देख लेते हैं, 8 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया और उससे पुनः 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं, गोलियों की संख्या, तो फिर से वही चीज आ गई भाई आपके, तो गोली, अब गोलियों की संख्या पिघला रहा है, यानी कि आयतन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आयतन की, 8 सेमी की त्रिज्या और ये क्या कह रहा है 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है, तो आयतन की बात कर रहा है, तो कितनी गोली बनेंगी, अब बताओ इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी आर कितनी है 8, बोलो सही बात है भाई, इसकी आर कितनी है आर, ठीक है, और ये कितनी 4/3 पाई आर क्यूब, 0.5 का क्यूब, कितनी गोली एक्स गोली, तो ये तो कट ही जाएगा, तो 8 के क्यूब को 0.5 के क्यूब से डिवाइड कर दो, 8 का जो क्यूब है, 8 का क्यूब जो है दोस्तों, इसे 0.5 के क्यूब से डिवाइड कर दो, तो ये चलो ठीक क्वेश्चन आया, लेकिन फिर से वही बात है, सूत्र याद होगा तभी तो ठीक है, तीनों पॉइंट हटा के और तीनों जीरो लगा दो, तो कितना हो जाएगा ये 5 5 5 125 से कितनी बार जाएगा 8 बार,
तो ये देख लो, 8 8 64, 8 8 64, 64 गुणा 64 इसका आंसर हो जाएगा। 64 गुणा 64 कितना? 4096। तो 4096 इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 4096। क्लियर? 4096 इसका आंसर रहेगा। तो ये भी अब फिर से वही चीज है, पिछली बार के सिलेबस में क्षेत्रफल आयतन था नहीं और सिलेबस इसका कोई आया नहीं, तो क्षेत्रफल आयतन नहीं था और पिछले पेपर में भी नहीं दिया। 60 नंबर, 60 से पहले फिर से इसको बाद में करेंगे। इसका आंसर ये ज्ञात नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे केवल 2 इक्वेशन बन रही है और तीनों के बारे में पूछ रहा, बाकी इसकी बात बाद में कर लेंगे। 60वां, यदि एक समषटभुज, तो समषटभुज, तो समषटभुज तो आपका ये होता है, एक समबाहु त्रिभुज, इनके परिमाप समान, परिमाप समान जैसे मान लो दोस्तों ये 2 2 2, परिमाप 6 हो गया, तो इसका भी परिमाप आपको क्या करना पड़ेगा? 6, तभी तो परिमाप समान होगा। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल देखो, ये जो समषटभुज होता है ना, 6 समबाहु त्रिभुज से बनता है, 6 समबाहु त्रिभुज से बनता है, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × भुजा² और कितने समबाहु त्रिभुज है? 6। ठीक है भाई, कितने समबाहु त्रिभुज है? 6, और त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × भुजा² तो 4 से 4 गया, √3 से √3 गया, तो 6/4 यानी कि 6:4, 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, तो आंसर क्या रहेगा? 3:2। कहां है भाई 3:2? 3:2। तो मैथ के अब बचे 2-3, तो वो अपने को क्या है कि उसके आंसर्स मैं केवल इतना बता सकता हूं कि जिन्होंने तुक्का लगाए हैं तो उनमें से कितने सही है, और तुक्का तो सब में लगा के आना, चाहे आए चाहे नहीं आए, नेगेटिव आपकी है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैथ, तो मैथ्स में तो अभी अगर देखा जाए तो 10 में से 4 या 5 प्रश्न तो करने लायक स्थिति में थे और 4-5 में तो वास्तव में तुक्का, चाहे कोई कुछ ही कहे, चाहे कोई कहे कि भाई मेरे 90 हुए, चाहे ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि मेरे पढ़ाए हुए में से आए या मेरे पढ़े हुए में से आए, ना तो किसी के पढ़े हुए में से आए और ना ही किसी के पढ़ाए हुए में से आए, तो इसकी डेफिनेटली नीचे जाएगी जाएगी, डेफिनेटली इसकी कट ऑफ तो ना के बराबर ही रहेगी दोस्तों, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। चलो अब मैं एक बार तो ज्योग्राफी वाले सर को जोड़ देता हूं आपके साथ में, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की व्याख्या कर लेते हैं, फिर एक बार वापस आता हूं मैं बचे हुए क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको लेके। ठीक है भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। 63-64 नंबर निकालो। हाँ नमस्कार, सभी दोस्तों का स्वागत है अभी पाठशाला क्लासेस के इस लाइव सेशन में। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो अपन फर्स्ट पे जैसे ही ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं वहीं से क्वेश्चन बन गया अपना कि हमारे, थोड़ा एक नीचे करना सर, थोड़ा सा देखिए अभी, और कीजिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए। राजस्थान स्थापना दिवस से, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिएगा आपका राइट आंसर यहाँ है 30 मार्च, बिल्कुल भी सही होगा दोस्तों। चलिएगा आगे। हाँ जी, अजमेर संभाग का गठन कब किया गया है? हमारे राजस्थान में अजमेर संभाग 6ठा संभाग बना है दोस्तों, और वो कब बना? 26 जनवरी 1987 को बना है। तो भी यहाँ पे अपना 1987 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, 1987 में बना है। चलो फर्स्ट नंबर शुरू ले लो, फर्स्ट नंबर से ले लो। हाँ जी, थोड़ा ऊपर करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए बोला गया है, और यहाँ पे क्या है, स्थानीय पवने हैं। तो देखिए खमसीन पवन चलती है दोस्तों मिस्र में, खमसीन पवन कहाँ पे चलती है? मिस्र में चलती है। हरमटन पवन यदि देखिएगा, लू चलती है, लू उत्तरी, उत्तर के मैदानों में चलती है, लू चलती है दोस्तों। खमसीन देखिएगा मिस्र में चलती है, एक में यहां देखिएगा 2 नंबर ऑप्शन जा रहा है। अब एक में यहां 2 आपका केवल एक ही ऑप्शन पड़ा है और वो ऑप्शन है केवल सी नंबर, मतलब खमसीन पवन चलती है मिस्र में दोस्तों, ये याद रखिएगा। बोरा चलती है एड्रियाटिक सागर में चलती है, एड्रियाटिक जो सागर है अपना वहां चलती है, और हरमटन पवने चलती है पश्चिमी अफ्रीका में दोस्तों, जिनको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर पवन के नाम से इनको जाना जाता है। हाँ जी, ये नहीं है अपना, चलो आगे चलो, इसमें भी नहीं होगा अपना, ये नहीं है, चलो 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 चलो, चलो। और चलिएगा। हाँ जी देखो भी, निम्नलिखित में कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है? अब ये अपने जैसे मैराथन क्लास ली थी अपने राजस्थान ज्योग्राफी की दोस्तों, उसमें मैंने पूरे राजस्थान के 10 जलवायु खंडों में बार बार बताया था सबसे बड़ा सबसे छोटा, और उनके ATC भी बताया था मैंने, और यहाँ पे अपन ने जलवायु प्रदेशों में बांटा था, शुष्क जलवायु में 3 आए थे, 1A 1B
और 1C, मतलब 1B 1C, मतलब सबसे बड़ा पूछा है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा आपका होगा डी नंबर 1C दोस्तों, सबसे बड़ा होगा यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन राइट जाएगा सभी का। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार भी सभी का, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड पैथफुल गिज्जर कहाँ स्थित है? देखो ओल्ड पैथफुल गिज्जर पूछा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी नंबर ऑप्शन यहां भी अपना सही होगा। चलिएगा इधर नहीं अपना, उधर आ जाओ यहाँ पे, हाँ कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हमारे राजस्थान में नहीं है? हाँ जी देखिएगा, निम्नलिखित में से बात करें भी तो बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है, बंदवारेठा अलवर में है, टोडगढ़ रावली पाली अजमेर राजसमंद में है, फुलवारी किनाल उदयपुर में है। असंगत पूछा है यहाँ पे, बस्सी चित्तौड़ बिल्कुल राइट जाएगा, बंदवारेठा अलवर में ये भी बिल्कुल है सही है। बंद बारेठा सही है क्या? ये हमारे भरतपुर जिले में है बंद बारेठा बांध, तो आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे असुमेलित होगा, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन असुमेलित होगा। चलिएगा आगे, चलिएगा थोड़ा इधर। यरन यही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो भी तालाबशाही झील हमारे राजस्थान के, तालाबशाही झील हमारे राजस्थान के धौलपुर जिले में है, तालाबशाही धौलपुर जिले में है अभी, तो आपका राइट आंसर धौलपुर यहाँ पे धौलपुर होगा। उसके बाद गेप सागर झील डूंगरपुर जिले में है, कड़ाना बांसवाड़ा जिला बता रखा है, हेमावास पाली में बता रखा है दोस्तों, वैसे कड़ाना गुजरात में है। अब देखिएगा यहाँ पे तालाबशाही धौलपुर में एक में तीन कौन सा है? एक में तीन है, दो में चार है दोस्तों, मतलब आपका सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो गए यहाँ पे, अपना सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। हाँ जी सर एक गलती अभी तक, हाँ जी बोलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भी, बहुत ही अच्छी बात है। चलिएगा सर आगे, एक आया है अपने नस्लों से संबंधित, कौन सी नस्ल किससे सुमेलित नहीं है? बर्बरी बकरी की दे रखी है, लोही भैंस की दे रखी है, चरनौथर भेड़ की दे रखी है, कांकरेज की गोवंश दे रखी है, कौन सी असुमेलित है? लोही, ये राजस्थान में बकरी की नस्ल है दोस्तों, जो सर्वाधिक मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। हाँ जी बिल्कुल भी, चलो आगे आगे चलो, ये करंट के हैं, आगे और चलिएगा, ये नहीं अपने और चलो और चलिए और चलिए। रिंग ऑफ द फायर, रिंग ऑफ द फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ द फायर आप सभी को याद है, सर्वाधिक ज्वालामुखी भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं, अतः प्रशांत महासागर के चारों ओर जो पेटी है क्षेत्र है, उस क्षेत्र को रिंग ऑफ द फायर के नाम से जाना जाता है। और अभी एक मैसेज आ रहा ना, अभी नहीं आए, ये क्वेश्चन क्लास में आपको करवाए हुए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों, करवाए हुए हैं। हाँ जी रिंग ऑफ द फायर हमारे प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक लाख का उत्पादन होता है झारखंड राज्य से होता है सर्वाधिक, झारखंड यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे, चलो हाँ, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा पूछा है दोस्तों, माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है, क्या कहलाता है बताइएगा, यहाँ पे कांठल आएगा दोस्तों, कांठल माही नदी का किनारा कहलाता है। चलिए विंध्यन कगारे भूमि हिस्सा है, विंध्यन कगारे हिस्सा किसका है बताइएगा, किसका माना जाता है? विंध्यन कगार हमारे राजस्थान के हाड़ौती पठार का माना जाता है, और हाड़ौती के पठार की बात करें तो यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से, मूल नाम इसका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, आपका राइट आंसर होगा। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित कुल विद्युत क्षमता कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा 21,836 मेगावाट है, यहाँ पे आपका एक नंबर ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद देखिए ब्राउन जलप्रपात, ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? ब्राउन जलप्रपात पूछा है, हाँ जी ब्राउन जलप्रपात पूछा है,
तो ये न्यूजीलैंड में है, ब्राउन जलप्रपात न्यूजीलैंड का प्रमुख वाटरफॉल माना जाता है। कौन सा कौन सा एक महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा? तो दोस्तों ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। आप जरूर अपने क्लास नोट्स में देखिएगा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, नोट्सों में आपको दिए गए हैं, जो मैंने समझाया था बिल्कुल वो के वो क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे राइट होगा। आगे चलिए, अगला है मांड प्राचीन नाम है, मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है दोस्तों। तो मैं बुला रहा हूँ सर को, स्त्री कल्चर वाले सर को, आप जुड़े रहिएगा क्लास को और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ सर, ज्योग्राफी का पेपर खराब हुआ अभी कैसे? हाँ जी बिल्कुल भी, आपका बहुत ही अच्छा पेपर गया है, हमें खुशी है कि आपका पेपर बहुत ही शानदार गया है दोस्तों। कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद, आप सभी का एक बार फिर से पाठशाला क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। और प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जी के यानी इतिहास कला संस्कृति की, जो आज के क्वेश्चंस पेपर में वीडियो के में जो आए हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, और किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? और ऑप्शन देखो, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस भी बोलते हैं यानी तख्त ए ताज भी बोलते हैं, और ये शाहजहां के समय यानी मुगल सम्राट शाहजहां के समय मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। यहीं पर यदि हम बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन अपने को दिख रहा है कि राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन है, राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन है? और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन पेपर है सेकंड पारी वाला, ये पिछला जो पेपर था उससे थोड़ा सा सरल है, बहुत सरल है ना। और इसमें राव जैतसिरो छंद किसकी रचना है? तो ये अपने बीटू सूजा की रचना है। किसकी रचना है? बीटू सूजा की रचना है। इसी प्रकार से एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है अपने, और बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? अब देखो, बम नृत्य कहां पर किया जाता है? अलवर भरतपुर क्षेत्रों में किया जाता है। और उसके साथ यदि उस नृत्य के साथ गीत गाया जाए रसिया, तब वो नृत्य कौन सा कहलाता है? बम रसिया नृत्य। और ये नृत्य यदि हम बात करें तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? बम रसिया नृत्य। एक इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है 1857 से संबंधित, और इसमें यदि हम बात करें तो अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता या युगम सही सुमेलित नहीं है, यानी कहां का नेता जो विद्रोही नेता से स्वरूप था वो यहां पर नहीं मिल रहा है इस क्वेश्चन में। तो यदि हम बात करें कानपुर में, तो कानपुर में बेगम हजरत महल बिल्कुल भी नहीं थी। यहां पर कौन थे क्रांति करने वाले? तो अपने नाना साहेब थे। क्या नाम मिलता है? नाना साहेब। बाकी ऑप्शन अपने ठीक हैं, ये गलत था जिसको हमने ठीक कर दिया। तो यहां पर कौन सा? नाना साहेब। इस प्रकार से ऑप्शन में कानपुर रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले एक बार अपने अपने मित्रों के साथ अपने शेयर कर दीजिए, जिन्होंने भी वीडियो का पेपर दिया है एक बार अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक करो, जोरदार तरीके से लाइक करो। देखो कितना शानदार अपने हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और चलो हम आगे चले, और एक क्वेश्चन फिर से हमारे आता है। सर का है ज्योग्राफी। हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो अपने पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता, प्लेग निवारक देवता, और इस प्रकार से ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा कि नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? कि नारियां यहां पर शिकार कर रही हैं, ये कौन सी शैली की विशेषता है? तो हम बात करें तो ये कौन सी शैली की विशेषता है? कोटा शैली की। यहां पर नारियों को तीर तरख बाण लेके और शिकार करते हुए दृश्य दिखाए गए हैं। कौन सी शैली में? कोटा शैली में। कौन से में? कोटा शैली में। और चलिए हम आगे चले, और एक क्वेश्चन
यहीं पर है कि अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, याद रखना गले में नहीं पहना जा रहा। और देखो तिमणिया, कांठला या फिर खटला बोल दें, मांदलिया, ये तीनों आभूषण तो गले में पहने जाते हैं, लेकिन यहां पर है एक आंवला, और आंवला किसके साथ पहना जाता है, नेवरी के साथ पहना जाता है, यानी नेवरी के साथ आंवला पहना जाता है। तो आंवला कहां पर, पैरों में पहना जाता है, पैर का आभूषण कौन सा, आंवला। तो चलिए आगे देखें एक क्वेश्चन यहीं पर अपने कि डामोर जनजाति अधिकतर कहां पर पाई जाती है। डामोर से क्या याद रखेंगे, डोंगरपुर, डामोर से डोंगरपुर, जो अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानती है, इनको ये डामरिया लोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डामरिया। तो बताओ भाई कहां पर होगी, डोंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। और यदि हम बात करें शिमलवाड़ा जो तहसील है उसमें आपके डामोर जनजाति निवास करती है, कहां पर बताओ। कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हैं अपने। और फिर हमारे एक क्वेश्चन और आएगा कि रतबई लोक नृत्य संबंधित है, रतबई, रणबाजा, खारी, जो कि किनके नृत्य हैं, मेव जाति के नृत्य हैं। और मेव तो कहां पर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मेव मिलेंगे मेवात क्षेत्र में। तो इस प्रकार से रतबई मेवों का नृत्य है जो कहां पर किया जाएगा, मेवात क्षेत्र में किया जाएगा। तब तक आप एक बार शेयर करो और हम आगे आपके लिए देखो इतना शानदार क्वेश्चन एक है, पाल किसे कहा जाता है, पाल किसे कहते हैं, पाल किसे कहते हैं। तो पाल की यदि हम बात करें तो पाल क्या ही होती है, भीलो का जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी भीलो की जो बस्ती होती है वो क्या होता है, भीलो की बस्ती, या फिर सीधी सी भाषा में कहें कि भीलो का गांव, उसे क्या कहेंगे, पाल। और भीलो के जो गांव का मुखिया होगा उसे पालवी, और यदि भीलो का वंश का मुखिया होगा उसे क्या कहेंगे, गमेती कहेंगे। ठीक है, तो चले हम यहां पर एक क्वेश्चन है अपने, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्लिष्ट आया इस पेपर में, बाकी कोई भी क्वेश्चन इतना भयंकर नहीं था कि जो आपको उलझा दे, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। और यहां पर आप देखेंगे कि अमरकोश किसकी रचना है, तो अमरकोश यदि हम बात करें तो देखो नाम से पता चल रहा है ये अमर सिंह की रचना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो काव्य मीमांसा, और काव्य मीमांसा किसकी है, ये राजशेखर की रचना है। उसके बाद में हम देखें व्रत कथा, और व्रत कथा तो इसमें जो अपना देखो जो पहला क्वेश्चन रहेगा ये ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा, और ए ऑप्शन जो रहेगा ना ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आप इसको देख लेना। अभी हम क्या है पेपर सॉल्यूशन उस प्रकार से करवाना कि फटाफट चलते रहे, बाकी जैसे अपनी जो लाइव क्लासेज होती है उसमें व्याख्यात्मक क्लासेज होती है अपने। और एक है रिंदरोही किसकी रचना है, रिंदरोही किसकी रचना है, और इसमें भी ध्यान रखना ये मतलब दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। और रिंदरोही किसकी रचना है, अर्जुन देव चारण की रचना है, किसकी रचना है, अर्जुन देव चारण की रचना है। आगे चले तो यहां पर एक और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आज के जो देखो जो सेकंड पारी का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कल्चर और इतिहास से संबंधित बड़े सरल सरल क्वेश्चन है पहले पेपर की तुलना में। तो आशा की जा रही है कि अगले जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी बड़े सरल आएंगे, है ना। तो वो तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ ट्रेलर था। यहां पर हम बात करें तो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में एक पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग्स, क्या लिखी, राजपूत पेंटिंग्स। और यहां पर हम बात करें एक शानदार सा सवाल राजस्थान इतिहास का, कि राजपूताने का कर्ण, और वो भी किसके अनुसार, यानी मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार किसको कहा जाता है, राव राय सिंह को कहा जाता है, याद रखना। ये बिल्कुल ये फैक्ट्स होते हैं जो कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपने पढ़े भी होंगे कि भाई इस प्रकार से फिक्स लाइन होती है, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। यहां पर देखो कुछ और क्वेश्चन अपने कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मॉरिसन, कौन था, मॉरिसन, इतना याद रखना, कौन था, मॉरिसन था। यहां पर देखो एक सिंपल सा फिर से एक क्वेश्चन है, इसको आप वैसे ही याद रख सकते हैं यदि आपको नहीं भी आ रहा है। तो यहां पर देखो चंद्रभागा पशु मेला, झालरापटन, झालावाड़, यानी झालावाड़ का सुरंगा मेला, मल्लीनाथ पशु मेला जो कि लोक देवता अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में, गोगा जी भी अपने लोक देवता है तो नोहर हनुमानगढ़ में। इस प्रकार दो तीन ऑप्शन तो आप वैसे ही सेट कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें सही उत्तर कौन सा मिलेगा, तो श्री बलदेव पशु मेला जो कि करौली में ना लग करके कहां पर लगता है, ये लगता अपने मेड़ता, और मेड़ता तो कहां पर है, तो प्यारे विद्यार्थी मेड़ता है नागौर में। तब तक आप एक बार शेयर करो भाई अपने अपने स्टेटस पर, जोरदार तरीके से शेयर कर दो, और हम आगे चलते हैं। और अगली जो श्रृंखला है बड़ी शानदार रहने वाली है क्वेश्चंस की, इंडियन और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के बड़े जबरदस्त जबरदस्त अपने क्वेश्चन है, और फटाफट से आप शेयर कर दो। और ये संत एवं संप्रदाय से संबंधित एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, संत संप्रदाय में पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे, लकुलिश, जो कि कहां पर है, ये लकुलिश संप्रदाय मेवाड़ में जो एकलिंग जी का मंदिर है ये सबसे बड़ा राजस्थान में मंदिर है, ठीक है, बप्पा रावल ने जिसका निर्माण करवाया, लकुलिश शिव जी के 28 अवतार थे, आपने सभी ने पढ़ा होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो तब तक एक बार लाइक करो और शेयर कर दो, जो नए विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चले तो देखो अपने, हाँ, तो भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है,
तो ये यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया कला संस्कृति, इंडियन क्वेश्चन है ये, रामप्पा मंदिर को, कौन से मंदिर को, रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया है, याद रखना कौन सा, रामप्पा मंदिर को। और चलो भाई एक क्वेश्चन अपना, मांड प्राचीन नाम था, मांड किसका प्राचीन नाम है और मांड किसका प्राचीन नाम है, बड़ा ही मतलब जहां के गीत भी बहुत फेमस है, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, है ना, वो कौन सा गीत है, यानी केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत, और प्यारे विद्यार्थियों कहां का, जैसलमेर का प्राचीन नाम है क्या, मांड प्रदेश, कौन सा, मांड प्रदेश। और इस प्रकार से अपने जो कला संस्कृति एवं इतिहास के जो क्वेश्चन थे हमने उनको सॉल्यूशन किया। आप सभी तब तक एक बार लाइक करिए, और फिर तब तक दूसरे सर आ रहे हैं रीजनिंग लेकर के, और आप बने रहिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो, आज आपका मौसम बना नहीं बना, और क्वेश्चन भी वैसे ही मौसम बनाने वाले आए थे आज, तो देखिएगा क्या था कैसे था, सारी चीजें सेम वो ही थी। 41 हाँ ये रहा, देखो सेम क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, जो मैंने आपका जो पहला क्वेश्चन कराया था, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में, जो सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के अंदर पहला ही क्वेश्चन कराया था, जो बच्चे हमारे पास पढ़े वो शायद अपनी नोटबुक को खोल के देख सकते हैं, सेम कोई भी यहां से एक भी क्वेश्चन यानी अल्फाबेट भी ऊपर नीचे नहीं था, सेम का सेम क्वेश्चन यहां से आया था, ठीक है। अब देखिएगा क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के पास बैठा है और सी डी के पास बैठा है, ए बी के पास बैठा है सी डी के, अभी ये लाइन कन्फर्म नहीं है, लाइन को छोड़ दीजिए जो आपके सामने कन्फर्म नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो डी ई के साथ नहीं बैठा, आगे देखो ई बेंच के बाएं तरफ किनारे पर बैठा है, ई बेंच के कहां बैठा है, बाएं किनारे पर, तो ई को बैठा दिया। आगे क्या दे रखा है, सी दाईं ओर से क्या बैठा है, दूसरे स्थान पर, दाईं ओर से पहला और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर किसको बैठा दिया, यहां पर सी को बैठा दिया। आगे क्या दे रखा है, बी के दाईं ओर कौन है, ए है, तो बी के दाईं ओर कौन है दोस्तों, ए है, तो बी के दाईं ओर कौन हो चुका है, ए, ठीक है, दाईं ओर का मतलब बाएं से दाएं, लैंग्वेज फॉलो करवाई थी ना आपको, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, और ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर कौन है, ए है, ठीक है। अब देखो ये लैंग्वेज देखो, ए बी के पास बैठा है तो ए बी के पास बैठा, आगे देखो सी डी के पास बैठा है तो सी किसके पास बैठा है, डी के पास बैठा, क्या पूछा है, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ठीक है, ए के बीच में कौन बैठा है, ए बीच में बैठा है, किस किस के बीच में बैठा है, तो बी और सी, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, बी और सी। यदि आपने सिटिंग अरेंजमेंट का, अपने जो सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक पढ़ा था और सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, वही क्वेश्चन सेम का सेम यहां पर आपको मिला है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 42 का, देखिएगा आपका न्याय निगमन का क्वेश्चन आया है ये वाला, देखिएगा क्या दे रखे हैं मेरे दोस्तों, कुछ मस्करे क्या हैं, पुरुष हैं, तो आपको पता है ये लीजिएगा, कुछ मस्करे क्या हैं, पुरुष हैं, ये लीजिएगा आपके सामने, ये तो क्या आ चुके हैं, कुछ मस्करे क्या हैं, पुरुष हैं। सेकंड बात देखिएगा, कोई भी पुरुष साइकिल नहीं है, कोई भी पुरुष क्या नहीं है, साइकिल। और मैंने आपको पहले कह दिया था यदि न्याय वाक्य का क्वेश्चन आएगा तो नेगेटिव पॉइंट वाला आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले आजकल बहुत कम पूछने लग गए हैं। अब देखिएगा तो पुरुष नहीं है, दोनों पे बाउंडेशन लगा दीजिएगा, ये मस्करे, ये साइकिल के लिए नेगेटिव कितना है मेरे दोस्तों, कुछ नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है, कुछ कंप्लीट है क्या, नहीं है। अब देखिएगा पहला निष्कर्ष, कोई भी मस्करा साइकिल नहीं है, मस्करा साइकिल नहीं है, कितना, कुछ कुछ में कोई प्रवेश करता है क्या, नहीं करता, तो पहला निष्कर्ष क्या कर दो, गलत कर दो दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा कोई भी पुरुष मस्करा नहीं है, कोई भी पुरुष मस्करा नहीं है, ये दोनों नेगेटिव हैं क्या, नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो, गलत। अगला देखो, कुछ मस्करे साइकिलें हैं, तो आपके सामने देखो कुछ मस्करे साइकिलें हैं, तो कुछ मस्करे साइकिलें हैं क्या, अब देखो ये भी नहीं है, लेकिन पहला और तीसरा किस में जा रहा है, आइदर ओर में जा रहा है, पहला और तीसरा किस में जा रहा है, आइदर ओर में, कोई भी मस्करा साइकिल नहीं है, कुछ मस्करे साइकिलें हो भी सकते हो रे, नहीं भी हो सकते, यानी पॉसिबिलिटी आपके सामने बन रही है। चौथा देखो, कुछ पुरुष मस्करे हैं, तो देखो कुछ पुरुष मस्करे हैं क्या, चौथा एकदम से सही है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, फर्स्ट या आपके सामने कौन सा, थर्ड निकलता है, क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं था, फर्स्ट या थर्ड का कोई था, इधर और का नहीं था, अकेला कौन आया था, फोर्थ, तो राइट आंसर यहां से कौन जाएगा, केवल फोर्थ अनुसरण करता है।
तो सिर्फ यहां से ऑप्शन के आधार पर राइट आंसर क्या जा रहा है, फोर्थ अनुसरण करता है, लेकिन वैसे राइट आंसर क्या जा रहा है, फोर्थ फर्स्ट या थर्ड निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलेगा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर का आपका क्वेश्चन देखिएगा, 43 के अंदर आपके पास क्या सही था क्या गलत था देखिएगा। यहां पर दे रखा था निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिएगा, तो अंतर ये देखो कम हो रहा है, लेकिन इसको आप उल्टा क्यों, गलत पद ज्ञात करवाया है, तो उल्टे से स्टार्ट कर दो। यहां पर देखो 94 और 105 में अंतर आपके सामने कितने का है, 11 का, और यहां पर 11 105 और 127 में अंतर कितने का है, 22 का, और यहां पर 127 और 160 में अंतर कितने का है, 33 का। अब देखिएगा यहां अंतर आना कितना चाहिए था, 160 और 202 में अंतर कितने का आ रहा है, 42 का, लेकिन आना कितना चाहिए था 44, मतलब 202 पद गलत है, आना कितना चाहिए था 204। अब 204 में आप लोग कितना जोड़ोगे, 55 जोड़ोगे तो 259, और 259 में 66 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 325। तो गलत पद कौन सा है, 202। तो राइट आंसर यहां से कौन आएगा मेरे दोस्तों, 202 आएगा, कौन आएगा, 202 आएगा। चलेगा 44 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कौन सा आ रहा है, 44 नंबर ये लीजिएगा आपका ब्लड रिलेशन का आपके सामने क्वेश्चन आया मेरे दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन, पेड़ दो इसको, देखो कैसे, यहां से चलो R भाग M माइनस K, तो माइनस चिन्ह देखेगा क्या है, भाई इस पे लगा दो भाई दोस्तों, अब हमें पता नहीं है हम भाई हैं या कौन है, बहन है। आगे देखो भाग, भाग का क्या है, पिता, डायरेक्ट ही आंसर आ गया, क्या पूछा है, एम से स्टार्ट कहां से करवाया है, एम से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो यहां से मेरा पता नहीं मैं पुरुष हूं या महिला हूं, तो यहां से स्टार्ट करो एम से, तो इसको पता नहीं है इसका कौन है, भाई है या कौन है, बहन है, तो यहां से देखो एम की बहन कौन है, के अथवा कौन है, भाई, तो भाई या बहन, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, के एम की बहन अथवा कौन है, भाई हम श्योर नहीं कह सकते कि इसका भाई है या कौन है, बहन है। चलेगा अगले क्वेश्चन पे, 45 नंबर, ट्रायंगल त्रिभुज, आप याद कर लेते त्रिभुजों की संख्या यहां से आपसे पूछी गई है, थोड़ा सा नीचे कीजिए, इसमें क्या हुआ इसमें बता देते हैं, देखिएगा सबसे पहले डायरेक्ट आंसर 1+2, यहां से देखिए आपके सामने क्या था, डायरेक्ट आंसर आपके सामने 1+2 कितना 3, 1+2 कितना 3, 1+2 कितना 3, 1+2 कितना 3, कितना हो चुका है 12, तो आपके सामने ये हो चुके मेरे दोस्तों, एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, 12+4 इक्वल कितना 16, राइट आंसर यहां से कितना गया दोस्तों, 16 त्रिभुजों की संख्या आपके सामने कितनी थी, 16 थी। चलेगा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यहां से देखेगा 46 नंबर का जो आपके सामने क्वेश्चन आया है, मैट्रिक्स का आपके सामने क्वेश्चन आया, देखेगा 2 और 5 में अंतर कितने का मेरे दोस्तों, 2 और 5 में अंतर कितने का है मेरे दोस्तों, 3 का क्यूब कितना होता है 27, देखिएगा रखा है 6 और 12 में अंतर कितने का 6 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों 216, और 10 और 7 में अंतर कितने का दोस्तों 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 8 और 3 में अंतर कितने का है 5 का, 5 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों 125, तो राइट आंसर यहां से कितना आ चुका है मेरे दोस्तों 125 आ चुका है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने 47 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्या सीरीज का क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो देखिएगा यहां से क्या दे रखा है, डब्ल्यू डेस वाई जेड, डायरेक्ट ही बन गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर डबल डब्ल्यू, तो डबल कौन अक्ष डबल वाई, और यहां पर डबल क्या कर दो जेड कर दो, यहां पर देखो ट्रिपल डब्ल्यू आ गया, ट्रिपल एक्स आ गया, ट्रिपल वाई कर दो, ट्रिपल क्या कर दो जेड कर दो, राइट आंसर क्या आया डबल एक्स, राइट आंसर क्या आया डबल एक्स जेड डब्ल्यू वाई जेड, तो डबल एक्स कहां से है आपके सामने, डबल एक्स जेड डब्ल्यू वाई जेड, राइट आंसर ऑप्शन डी था दोस्तों। चलेगा अगला क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कौन सा आता है, बहुत अच्छा देखो घन का क्वेश्चन है, सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ा हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 10/2 n का मान निकाल लिया, कितना आ चुका है 5 आ चुका है, आगे क्या दे रखा है 125, तो 125 छोटे छोटे, इसका मतलब n का मान कितना है 5, कम से कम एक तरफ से रंगी हुई सतह की, डायरेक्ट बताया था n क्यूब माइनस मेरे दोस्तों n माइनस 2 का होल क्यूब, n क्यूब का मान 125, 5 का क्यूब 125, माइनस 5 माइनस 2 3 का क्यूब, तो 125 माइनस 27 इक्वल आपके सामने 98, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 98 आएगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, 49 पे चलिएगा, 49 पे मेरे दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं, 49 आपके सामने क्या दे रखा है, देखो एस ओ एन 458, एल ओ टी एस 1248, लॉन
1345 SCOTLAND। अब यहां से डिजिट में सी का कूट बराबर पूछा है तो देखिएगा एस का आपको दे रखा है तो यहां से चार कैंसिल कर दीजिएगा, ओ का दे रखा है मेरे दोस्तों तो ओ देखिएगा आपके सामने कितना है, यहां पर चार और कितना है पांच, तो पांच को कैंसिल, और एन दे रखा है मेरे दोस्तों एन को क्या कर दीजिएगा आठ कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आपके सामने क्या एल ओ टी एस तो एक दो चार आठ, तो एक दो को कैंसिल कर दीजिएगा, चार आठ पहले कैंसिल। आगे देखो क्या दे रखा है आपके सामने एक तीन चार पांच, तो तीन को कैंसिल कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। और यहां से आपके सामने एक तीन चार क्या दे रखा है पांच, तो डिफरेंट यहां पर ऑप्शन के आधार के ऊपर आपके सामने कौन आया है यहां से छह, तो यहां से सी का आपके सामने पूछा यानी छह यहां पर आपको क्रमांक से कहीं पर भी नहीं दिया है, तो राइट आंसर यहां से कितना आएगा मेरे दोस्तों छह आएगा, कितना आएगा छह। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपने रीजनिंग का, थोड़ा सा ऊपर कीजिए साहब। देखो ये आपके सामने आया मेरे दोस्तों क्या आया है, एक निश्चित कूट भाषा में 123 का मतलब हॉट फिट रेड कॉफी दे रखा है, 356 का मतलब हॉट वेरी हॉट डे, 589 का मतलब डे एंड नाइट है, कौन सा अंक वेरी के लिए है। अब देखिएगा यहां पर मेरे दोस्तों क्या दे रखा है, यहां पर वेरी पूछा है तो हॉट और डे को कॉमन आपको लेना था, हॉट यहां से था, हॉट यहां से था, दोनों में कॉमन आपके सामने तीन से तीन क्या कर दिया कैंसिल कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब देखिएगा आगे आपके सामने क्या दे रखा था कि आपके सामने डे का मतलब, तो डे कौन से में था इसमें था, तो यहां से पांच कैंसिल, बचा कौन था यहां पर छह, तो राइट आंसर यहां वेरी के लिए कितना आएगा छह आएगा। और सेम का सेम क्वेश्चन अपने पास जो नोट्स के अंदर अपने पास कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको जो करवाया था कोई चेंजमेंट नहीं है, ये देखिएगा आपके सामने सेम टू सेम 61 नंबर का जो क्वेश्चन था सेम का सेम ये पूछा गया है, कोई चेंजमेंट यहां से नहीं किया गया है, अपनी जो पाठशाला वाली सीट है इसके अंदर से चार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको यहां से मिले, नो चेंजमेंट, ठीक है। तो ये सारे आपके सामने थे और बहुत रीजनिंग क्या आई थी सरल आई थी, जिन्होंने किया है पूरे 10 क्वेश्चन क्या किए हैं सही किए। अब आपके करंट वाले सर आ रहे हैं तो अभी सोल्यूशन ये करवाएंगे सर। आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है आप सबको? सर आठवां नंबर क्वेश्चन निकालो भाई। आवाज आ रही है क्या आप सबको? अब कोई नहीं बोलेगा, जब बोलना होता है तब तो कोई नहीं बोलेगा। सर आवाज आ रही है क्या आप सबको बताइए भाई। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग पूजा जी, गुड इवनिंग दिव्यांश जी, आपको बहुत बहुत कविता जी। ये आठवां प्रश्न पढ़ो, देखा नहीं आया कि नहीं आया कल के चार घंटों में से बताओ भाई, कल की चार घंटे की क्लास में से ये आठवां प्रश्न है कि नहीं है इसके बारे में बताओ थोड़ा। आठवां प्रश्न सर वो बोला पेन, तो ये आठवां प्रश्न जो है ये क्या था, टोक्यो पैरालंपिक्स में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, कौन सी थी भाई? सर ऑफलाइन आ रहा है, कट गया क्या? क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे साहब, बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे, आप चिंता ही मत करो, क्वेश्चंस तो करंट अफेयर के कहां जाएंगे यार, उठ के आएंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। हाँ जी अब वापस जुड़ गए एक बार, आवाज आ रही है आप सबको, पिंकी जी, पूजा जी, कविता जी, ये एक नंबर पक्का हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ आप पहले, तो अभी और बताऊंगा आगे कहां पे एक नंबर और पक्का हुआ है ये बताऊंगा मैं भी आपको, है ना। चलिए इसका सही आंसर है शूटिंग, ठीक है। शूटिंग के अंदर टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, एक प्रश्न तो आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए सर अगला प्रश्न बारवां निकालिए, एक प्रश्न आपको ये पूछ लिया भाई, एक प्रश्न आपको ये पूछ लिया, एक प्रश्न आपको ये पूछ लिया है बारहवें नंबर क्वेश्चन में कि राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में
आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है? ये क्वेश्चन था कि नहीं था भाई? ये क्वेश्चन था। और अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में हमने 6-5 अगर स्लाइडें भेजी थी आपको पता हो तो, उसको किसी ने पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन का आंसर उसमें से मिल सकता है, संभवतः मैंने वो स्लाइड उसमें भेजी है आपको, है ना। तो आप देखिए इसका सही आंसर होगा 16 दिसंबर 2019, और 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन हुआ। 1,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष बनाया गया और ये किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए बनाया गया। तो ये 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, 16 दिसंबर 2019, ठीक है। अब ये 13वां जो क्वेश्चन है, स्वस्थ धरा खेत हरा, आपको बता दिया होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित है ये। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तो बहुत पुरानी है इसलिए अब इसको अपन लेंगे नहीं, तो ये पुरानी योजना थी। अपन 19 नंबर एक क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए आपसे कुछ भी पूछने को ये पूछ लेंगे, क्योंकि इनको पूछने को, इनको जब पद्म विभूषण नहीं पूछ पाए तो पद्म भूषण पूछ लिए। तो पद्म विभूषण को अपन ने बहुत अच्छे से याद किया है और आप दावा मानो पद्म विभूषण से भी प्रश्न बनेंगे। पद्म विभूषण से मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, सुदर्शन वही बोले जो नरेंद्र बीबी से बोले, याद रखना उस ट्रिक को। ये पद्म भूषण याद करने की जरूरत है नहीं। वैसे पद्म भूषण का एक प्रश्न आपको 19वां पूछा गया है कि पद्म भूषण लोक सेवा में, सिविल सेवा का मतलब हो गया लोक सेवा। मैंने आपको कल भी बताया था, एक आइडिया बताया था, मैंने कहा था कि ये लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के साथ में धोखा करते हैं। धोखा ये करते हैं कि आपको देवनागरी लिपि में इंग्लिश शब्द लिख के दे देते हैं। अब इंग्लिश में इन्होंने देवनागरी लिपि में आपको सिविल शब्द लिख के दे दिया और आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, ये लोक सेवा की बात कर रहे हैं। और नृपेंद्र मिश्रा ये एक आईएएस अफसर रहे हैं पहले, नृपेंद्र मिश्रा को पद्म भूषण मिला है लोक सेवा के मामले में। और ये दोनों जो नाम है सुमित्रा महाजन और त्रिलोचन सिंह, इन दोनों को लोक मामलात के मामले में, पब्लिक अफेयर्स के मामले में, लोक मामलात के मामले में, पब्लिक अफेयर्स के मामले में, फिर से सुनिए, ये सुमित्रा महाजन जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, और इसके अलावा यदि अपन बात करें त्रिलोचन सिंह की, तो त्रिलोचन सिंह जो है वो उनको भी जो है वो पब्लिक यानी लोक मामलात में पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण अगर लोक सेवा का पूछ ले तो नृपेंद्र मिश्रा बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आपने कर लिया होगा ऐसा मुझे आशा है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए सर। अगला क्वेश्चन है सर 24वां। एक 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको 24वां क्वेश्चन पूछा इन्होंने। 24वां क्वेश्चन 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको पूछा इन्होंने। देखिए आप इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें कहा है कि 5G तकनीक विकसित करने वाले, यानी 5G तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो तो थी बिल्कुल इसका हिस्सा, क्योंकि उसी ने बनवाया था। और IIT मद्रास और IIT हैदराबाद ये दोनों भी इसमें हिस्सा थे, IIT बंबई इसमें हिस्सा नहीं थी, इसलिए IIT बंबई हिस्सा नहीं थी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, IIT बंबई, ठीक है सर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, IIT बंबई, ठीक है साहब। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन सर, 30। एक आपसे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है। देखिए अपन ने कल बात की थी कि सौर ऊर्जा में तो हम सबसे अधिक पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया लगाना सीख लिया होगा ना क्वेश्चन का, तो आइडिया लगाना सीख लिया होगा तो आप इसको करके आ गए होगे क्वेश्चन को। मैंने कल बताया था 7,737.42 मेगावाट अपन ने सौर ऊर्जा में अधिस्थापित क्षमता प्राप्त की है। आपने, आपको यह भी पता होगा कि विद्युत के क्षेत्र में अब राजस्थान दिनों दिन प्रगति कर रहा है। तो राजस्थान ने 21,836 मेगावाट की कैपेसिटी दिसंबर 2020 तक बना ली थी। दिसंबर 2020 तक 21,836 मेगावाट की कैपेसिटी हमारी हो गई थी, ठीक है सर। ये इसका आंसर है ए। और अब एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, कल की सिर्फ 4 घंटे की क्लास में से जो आया था। सर अगला क्वेश्चन 32वां निकालिए सर। ये देखो ये छपा कि नहीं छपा बताओ पहले तो एक बार, ये क्वेश्चन छपा कि नहीं छपा है, बिल्कुल हैजूक जो छपा कि नहीं छपा ये बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन छपा कि नहीं छपा भाई। 32वां क्वेश्चन आपके हैजूक जो छपा है कि नहीं छपा है मेरे को बताओ आप। मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताया था कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा इन चारों में से शामिल हुआ है, मैंने बताया कि नहीं बताया आपको कल। राम पूनिया गलत बता रहे हो यार, मैंने कल कुछ और बताया था। विश्व विरासत सूची में कौन शामिल हुआ है मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था तेलंगाना का एक मंदिर है तेलंगाना का, और उसको रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर। और काकते वंश का वो मंदिर है, और काकते वंश का मंदिर है इसलिए रामप्पा मंदिर इसका आंसर मैंने कल ही बताया था, कल वीडियो में जाके देखना आप कल के वीडियो में।
और इसका आंसर है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर जुलाई 2021 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है और तेलंगाना का ये मंदिर है और इस मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये देखिए थिएटर रिएक्शन कह रहे हैं छप्पा सर, हाँ आ रही है जल्दी आगे चलो सर। देखो आप देखिए साहब, ठीक है ये इसका आंसर देखिएगा। कल के चार घंटे के क्वेश्चन, चार घंटे के अपनी मात्र कल की क्लास में से दो क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं आपको। अभी और अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए 36 नंबर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, 36 नंबर एक क्वेश्चन है यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है। तो इंटरनेट की पहुंच जो है, देखिए यूनेस्को ने एक बात बताई, यूनेस्को ने कहा कि भाई ऐसे 22% स्कूल भारत में है जिनके पास में कंप्यूटर की सुविधाएं हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 19% लोग ही ऐसे हैं, 19% स्कूल ही ऐसे हैं जिनके पास में इंटरनेट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 37, इंडिया फर्स्ट मैंड ओशियन मिशन, फर्स्ट मैंड ओशियन मिशन यानी भारत का प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन। ये भारत का प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन जो है वो सब समुद्रयान है। कौन सा है? समुद्रयान है। समुद्रयान भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। तो 37 का आंसर ये हो गया, ठीक है साहब। चलिए एक क्वेश्चन 39 है सर, 39 नंबर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य बजट भाषण 2021-22 में, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहां की गई है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना जयपुर में की जानी है। कहां की जानी भाई? जयपुर में की जानी है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहां की जानी है? जयपुर में। और एक चीज यहां पे और इंपॉर्टेंट याद कर लेना, हो सकता है कल के पेपर में कहीं पूछे फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, तो फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी। फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी। ये बात ध्यान रखना भाई, कल के क्वेश्चन पूछ ले तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है साहब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है सर पॉलिटी का, 61 पॉलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। रोहित यादव कह रहे हैं एग्जाम देने मत जाओ भाइयों, एग्जाम हार्ड आ रहा है। अरे एग्जाम हार्ड आता है तभी तो मजा आता है भाई रोहित जी, ठीक है। चलिए देखिए साहब एक क्वेश्चन है आपके सामने 61, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। तो राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान जो है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहां से लिया गया भाई? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये इसका सही आंसर है, ए इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है भाई? ए है, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा इन्होंने सर, 62 नंबर क्वेश्चन लीजिए। देखो एक क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा 62 नंबर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चा बच्चा जानता होगा भाई राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं हुआ होगा आप लोगों का, ठीक है, तो ये बात सही है। फिर 63 नंबर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो जिला आयोजना समिति में जो है सर 25 सदस्य होते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो 20+5 सदस्य, 5 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं और 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कुल इस तरीके से 20 और 5 25 सदस्यों का आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा, 25 जिला योजना समिति में मेंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको ये? चलिए अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना 15 जनवरी 1987 को। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना 15 जनवरी 1987 को, और ये 1987 सही आंसर हो जाएगा इसका, ए इसका सही आंसर हो जाएगा 64वें का, ठीक है साहब। देखिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब मैंने आपको कल ये तो बता दिया था कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन रही है, ये बात मैंने आपको एक लेटेस्ट की जानकारी तो दे दी थी, पर अब इन्होंने पूछा है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा। तो देखो कांता कथूरिया भी 1999 से 2002 के बीच में, तारा भंडारी भी अध्यक्ष रह चुकी हैं और लाड कुमारी जैन भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, गिरजा व्यास। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, गिरजा व्यास। अभी तक कभी भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गिरजा व्यास, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे 66 पूछा इन्होंने, 66 नंबर क्वेश्चन है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपने अगर राजस्थान के प्रशासन में पढ़ा होगा कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कौन होता है भाई,
जिले का जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कौन होता है? तो जिले का जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। इसलिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष भी कौन होगा? आदरणीय जिला कलेक्टर जी होंगे। आदरणीय जिला कलेक्टर जी क्या होंगे? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। ठीक है साहब, बिल्कुल इसका आंसर 66 का सी हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देख लिया आपने। चलिए साहब 67 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद कर लेते हैं। देखिए 67 नंबर एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब इसमें आपको यह बताना था, अगर किसी बंदे को यह पता है खाली कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, सर एक थोड़ा सा बी ऑप्शन का, अगर किसी बंदे को खाली यह पता होता इस क्वेश्चन में कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, किसी बंदे को खाली यह पता होता कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो उस बंदे का क्वेश्चन सही हो जाता। पता है आपको कैसे सही हो जाता? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है साहब ये 1909 में आया, ये बात आपको पता होगी। फिर मॉन्टेग्यू चेम्स और सुधार 1919 में आया, ये भी बात आपको पता होगी। तो 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार आया। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में आई। उसके बाद अगर अपन जेबीपी समिति की बात करें तो 1948 में बनी। और इस तरीके से अगर अपन इसको देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? ए होना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉन्ट फोर्ड रिपोर्ट है ये मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड रिपोर्ट को शायद मॉन्ट फोर्ड रिपोर्ट इन्होंने बोला है, और 1919 इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। और मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड रिपोर्ट जो है वो 1919 में आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड रिपोर्ट, और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए इसका सही आंसर है भाई। अगर आपको खाली ये पता होता कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया है तो आप इस क्वेश्चन को सही करके आ सकते थे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 67 का क्या हो गया। तो ये जेवीपी समिति आप सबको पता है, जेवीपी समिति क्या है भाई? देखो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी थी ये। आप लोगों को पता होगा 1948 में बनी थी, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के ये समिति बनाई गई थी। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के, राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए समिति जेबीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल जी नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे, ये बात आपको पता होगी। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर एक क्वेश्चन है, उस पर बात कर लेते हैं एक बार। 68 नंबर एक क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है। एक बात तो पहले आपको यह पता होगी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल आर्टिकल 165 के तहत। आपने ये बात पता करी होगी, आर्टिकल 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी। तो चलिए ये बात अगर आपने पढ़ी होगी तो ये ठीक है। लेकिन राज्य के, अब ये क्या कह रहा है कथनों को सुनिएगा, कथन कह रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है क्या? अभी चर्चा करेंगे, अगर की जाती होगी तो देखेंगे। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। बिल्कुल सही बात है, विधिक मामलों में राज्य को सलाह देता है, सही बात है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, बिल्कुल राज्यपाल नियुक्ति करता है, जब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम कर रहा है तो राज्यपाल ही तो नियुक्त करेगा उसको, और कौन नियुक्त करेगा? और जब राज्यपाल नियुक्त करेगा तो सी भी सही हो जाएगा इसका आंसर। और महाधिवक्ता का पारिश्रमिक जो है वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जब राज्यपाल ही नियुक्त कर रहा है, जब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो काम करने वाला है, तो फिर जब वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, राज्यपाल ही उसको नियुक्त कर रहा है, तो सैलरी भी कौन देगा? राज्यपाल ही देगा, है ना, मालिक ही देंगे भाई। तो इनका सही आंसर डी भी सही है। केवल एक ए ऐसा आंसर है जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है महाधिवक्ता को, महाधिवक्ता को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करता है, इसलिए ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ए आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा, इसका ए आंसर सही हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 69। ये देखो 69 नंबर जो क्वेश्चन है ना साहब, 69 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है सर। क्या पता इन्होंने पुराने डेटा लिए हैं तो भी पता नहीं है, लेकिन पुराने डेटा को नहीं लेना चाहिए था, सही डेटा इनको लेने चाहिए थे। और वास्तविक बात यह है कि जो हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो अब शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। कितनी है भाई? 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए 34 आरक्षित हैं। इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन इसको मानेंगे। ठीक है साहब, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए साहब अगला एक क्वेश्चन है 70। एक क्वेश्चन 70 नंबर है,
आपसे 70 नंबर एक क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है। पॉलिटी के क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत मतलब कुछ दो तीन क्वेश्चन लेवल के पूछ लिए, सेकंड में इन्होंने मजे ले लिए, लेकिन फिर भी पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, करंट के भी क्वेश्चन लेवल के पूछे हैं, और अपन ने जो पढ़ा है आप विश्वास कीजिए उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं करंट, और आपको पॉलिटी तो सर ने यहाँ पे जो पढ़ाई है उसमें से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया आपने आपके साथ हुआ होगा। और करंट और पॉलिटी ये दोनों का मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और एक क्वेश्चन 96 नंबर है, तो देखिए आप एक बात को सुनिए कि मतलब देखिए जिस एक इसका क्वेश्चन था, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इसको, इसने क्वेश्चन कहा था असंगत विकल्प का चयन कीजिए, क्या बोला था भाई, असंगत विकल्प का चयन कीजिए, क्या बोला था, असंगत विकल्प का चयन कीजिए, ये बोला था ना इसने। तो आपको पता है जिसने ऋण चुका दिया है, जो ऋण जिसके पास जो ऋणी होता है उसको ऋणी बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, ऋणी बोलते हैं ना जिसके ऊपर ऋण होता है, लेकिन जिसने ऋण चुका दिया है उसको उऋण बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उऋण बोलते हैं, और इसलिए इसका सही आंसर उऋण होना चाहिए था, उत्मरण हो गया है, इसलिए ए आंसर इसका सही है, 96 का ए आंसर सही है, ए आंसर होना चाहिए। आप सबको कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभी टिक लगा ले, चलिए मैथ के क्वेश्चंस पर टिक लगा लीजिए आप जल्दी से, मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये ग्रीन वाले हैं, देखो मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके टिक लगवा देता हूं मैं आपसे जल्दी से। देखिए 52 नंबर एक क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा वो ए होगा 7, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए 7 होगा। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है भैया, ये आपने पढ़ा होगा 54 नंबर क्वेश्चन, ये 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर एक क्वेश्चन है, और ये 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी समबाहु, इसका सही आंसर क्या होगा, डी समबाहु। और फिर एक 55 नंबर क्वेश्चन भी है, 55 नंबर एक क्वेश्चन भी है, और 55 नंबर क्वेश्चन में बी 4 इसका आंसर होगा, 55 का आंसर क्या होगा भाई, बी 4 होगा। और एक क्वेश्चन है 59, एक क्वेश्चन है 59, और 59 नंबर जो क्वेश्चन है, 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा सी माइनस वन, 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी माइनस वन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए सर, इंग्लिश अब इंग्लिश के सर आपके पास आ रहे हैं, चलिए इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मैं टिक करवा दूंगा भाई, अरे वो गोलू मोलू बोल रहे थे सुबह एक शिफ्ट में, वो कहां गए, गोलू मोलू बोलो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, करंट अफेयर पढ़ा अपन ने कल, उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं दादाओं, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, थिएटर रिएक्शन वाले, अरे आप थिएटर नाम क्या के थिएटर है, मूवी देखने जाना चाहिए आज तो, कुछ भी मत पढ़ो, रेस्ट करो, कल वाले कल के पेपर हार्ड, ये अनिल सांबोता जी सबको भयभीत कराने की कोशिश कर रहे हैं, चिंता मत करें आप लोग, एग्जाम बढ़िया होगा, सबका बढ़िया होगा, पूजा जी आप मस्त रहो, कल आपका एग्जाम है, सबका एग्जाम जिनका भी कल है वो बड़े आराम से मस्ती से एग्जाम दीजिए, और बड़े आराम से अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऐसा राजस्थान का पोर्शन बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, और राजस्थान का पोर्शन जो है गोलू मोलू सोरे है सर, चलिए गोलू मोलू वो जो सोरे है वो ठीक है, आपको जो चैनल पे दिख रहे हैं उन गोलू मोलू की बात कर लीजिए आप, ठीक है रोहित जी, चलिए साहब ठीक है, फिर अगले अपन इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, 81 नंबर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 81 नंबर एक क्वेश्चन है भाई, और वो दिया हुआ था मैच द इडियम्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स लिस्टेड इन कॉलम बी, एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मैच द इडियम्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स लिस्टेड इन कॉलम बी, और उसमें ए जो ऑप्शन है वो है अ रेड लेटर डे, सर आज तो अच्छे अच्छे की फिल्टर फट गया, अरे अब ये फटने वटने की बातें मत किया करो यार,
ठीक है। फिर 81 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए अपन बात कर रहे हैं 81 नंबर क्वेश्चन की, और 81 नंबर जो क्वेश्चन है उसको लेकर के अपन ये कह सकते हैं कि ए जो ऑप्शन था ए रेड लेटर डे, ये ए रेड लेटर डे जो था वो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, सॉरी अ स्पेशल नेटवर्थी मेमोरेबल ओकेजन, ए स्पेशल नेटवर्थी मेमोरेबल ओकेजन इसका सही आंसर होगा। और इसी आधार पे आप इसको सही कर सकते थे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, इसका सही आंसर क्या होगा सी। तो ये जो 81 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है सी, ठीक है साहब, 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ठीक है। फिर देखिए 82 नंबर जो क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 82 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर सी है, 82 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर सी है, 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी है, 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी है, 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी है, 84 नंबर क्वेश्चन का, 84 नंबर क्वेश्चन का, 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है, 85 का देखिए 85 नंबर जो क्वेश्चन है, 85 नंबर जो क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है, 85 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है, द होल क्लास ऑफ लॉइंस, ये 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई। 86 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर ए होगा, बिलीफ और बिलीव, 86 नंबर का भी क्वेश्चन का ए आंसर सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का, 87 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, बी, 87 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, और बी ऑप्शन है देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम, देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम, देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साहब। फिर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन के अंदर 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा बी, 88 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या होगा बी, और बी क्या आंसर है, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम, ये इसका सही आंसर होगा भाई। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ड ऑन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए 89 नंबर क्वेश्चन का, 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए बिल्ड ऑन, तो ये डी इसका सही आंसर होना चाहिए 89 का। और जो 90 नंबर क्वेश्चन है वो है, ए कंगारू कैन जंप हायर देन अ रैबिट, हायर देन अ रैबिट, हायर देन अ रैबिट इसका सही आंसर होगा, और अ कंगारू कैन जंप हायर देन अ रैबिट बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साहब। तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हो गए भाई, ठीक है, कैसा रहा आप लोगों का पेपर आज का बताना भाई कमेंट कर करके, और कल के पेपर के आपको, कल के पेपर के लिए बहुत सारी ढेर सारी और छप्पर फाड़ के शुभकामनाएं पाठशाला की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद।